देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल, मैं हूं आपके साथ महक। मंदसौर जिले सीतामऊ तहसील के कयामपुर मंडल के भाजपा युवा मोर्चा नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष और जनपद सदस्य पंकज जाट का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। पंकज जाट द्वारा अपने जन्मदिन के अवसर पर अपने जनपद निधि से 5,00,000 रूपए गौशाला में दान स्वरूप दिए गए। जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाते हुए बेटी खेड़ी गौशाला पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ताओं और भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष और जनपद सदस्य द्वारा गौमाताओं को हरा चारा और गुड़ खिलाकर वहीं गौमाताओं को फूलमाला पहनाकर उनका आशीर्वाद लेते हुए अपना जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान कार्यकर्ता द्वारा युवा मोर्चा कैलाशपुर कयामपुर मंडल अध्यक्ष और जनपद सदस्य पंकज जाट का जन्मदिन पर मिठाई और फूलमाला पहनाकर मनाया गया। वहीं जनपद सदस्य और युवा मोर्चा कैलाशपुर मंडल अध्यक्ष पंकज जाट द्वारा अपने जन्मदिन के अवसर पर अपनी जनपद निधि से 5,00,000 रूपए गौशाला में दान स्वरूप दिए गए। साथ ही बताया गया कि इस 5,00,000 से गौशाला की स्वच्छता और देखरेख में काम आएंगे। आपको बता दें कि अपना जन्मदिन गौशाला में पहुंचकर मनाकर लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने हैं। साथ ही उनके द्वारा कहा गया कि लोग भी अपना जन्मदिन केक काटकर ना मनाएं, गौशालाओं में जाकर गौ माताओं के बीच में अपना जन्मदिन मनाएं, जिससे आपको पुण्य मिलेगा। जन्मदिन के अवसर पर भाजपा कैलाशपुर मंडल अध्यक्ष भारत सिंह डांगी, जिला सदस्य जितेंद्र सिंह, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष पवन सेठिया, विनोद जाट, मुकेश राज, शुभम शर्मा, समाज सेवी अंकित डांगे, पत्रकार रली शंकर धाकड़, संजय सिंह डांगी आदि भाजपा कार्यकर्ता सहित अन्य लोग मौजूद थे। आज जन्मदिन मैंने गौशाला बेटी खेड़ी में मनाया, जो कि यहाँ के सभी साथियों एवं मंडल के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी मंडल के पदाधिकारी और ग्राम बेटी खेड़ी के मेरे सभी युवा साथियों द्वारा आज मेरा जन्मदिन गौशाला में मनाया गया, जहाँ गाय को गुड़ भी खिलाया, हरा चारा और तरबूज वगैरह खिला के हमने सब कार्यकर्ताओं के बीच आज जन्मदिन मनाया, जहाँ हमारे मंडल के अध्यक्ष आदरणीय भारत सिंह जी डांगी, हमारे जिला पंचायत के सदस्य आदरणीय जितेंद्र सिंह जी ओकम एवं हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता मेरे बड़े भाई सभी यहाँ उपस्थित हैं। और आज मैं मेरे जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर मैं श्री कृष्ण गोकुल गौशाला बेटी खेड़ी को मेरी जनपद निधि से 5,00,000 रुपये की निधि कि मैंने आज यहाँ अनुशंसा करी है, जो कि मेरी निधि अभी आई है उसमें 5,00,000 रुपए मैं गौशाला में देता हूँ, जो कि यहाँ स्वच्छता एवं पानी की व्यवस्था को दूर करेगी और सुगम व्यवस्था है यहाँ पानी के लिए और स्वच्छता में यहाँ काम देगी, इसलिए मैं 5,00,000 रुपए मैंने मेरी निधि भी यहाँ दी है। आज जन्मदिन के अवसर पर आप सभी यहाँ पधारे, आप सभी ने मुझे जो स्नेह प्रेम दिया मैं हमेशा आपका ऋणी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय भारत। मंदसौर से लली शंकर धाकड़ की ये रिपोर्ट। तो ये था अब तक का अपडेट। लगातार हर अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।